गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास. स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास आई एक्सप्लेन द पेज नंबर 70, 71 and 72 फ्रॉम द चैप्टर 11 फ्रॉम हियर टू देयर. आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू हैड डन एक्सरसाइज वर्क ऑफ दिस चैप्टर. Students, today we will continue next pages of this chapter. Okay, students, let's start. Open your EVS book, page number 73. Right in front of each picture, नीचे कुछ pictures दी गई हैं, उसके सामने आपको लिखना है what vehicle is used for, मतलब कि vehicle जो है वो किसके लिए use होता है. In the spaces provide, आपको नीचे space provide किया गया है. Draw the picture. सम अदर व्हीकल्स, आपको कुछ पिक्चर्स की व्हीकल भी ड्रॉ करनी है. राइट देयर नेम, उनके नेम लिखने हैं. एंड व्हाट दे आर यूज फॉर, और वो किस लिए यूज़ होते हैं. और आर ऑल दीज व्हीकल्स यूज फॉर अवर ट्रैवल, और क्या ये सारे व्हीकल्स हैं वो हमारे ट्रैवल के लिए यूज़ होते हैं. तो देखिए नीचे पिक्चर्स देखिए, ये व्हीकल्स दिए हुए हैं, ये यूज फॉर. तो देखिए ये क्या है, इसको कहते हैं पुश कार्ट, PUSH पुश कार्ट. तो ये किस लिए यूज़ होती है, क्या इसका क्या यूज़ है. इसका है सेलिंग वेजिटेबल्स एंड अदर्स आइटम्स, मतलब इसमें सब्जी बेची जाती है. देखा होगा आपने मार्केट में, इसमें फ्रूट्स और सब्जी रख के बेची रहती है, या फिर अदर आइटम्स भी बेची जाती है बाय वेंडर. जो वेंडर होते हैं वो इनको पुश करते हैं, धक्का मार के चलते हैं. ओके, गली गली में मार्केट में इसको लेकर घूमते हैं, एक जगह पर खड़े नहीं होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ये वाली पिक्चर किसकी है, इसको कहते हैं डिलीवरी वैन. क्या है ये, डिलीवरी वैन है. इसका क्या वर्क है, कैरिंग पार्सल, ये पार्सल लेकर जाती हैं मेल्स एंड स्मॉल पैकेट्स, और जो उसमें छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उनको लेकर जाती है वो. ठीक है, ये एक सिटी से दूसरी सिटी ये लेकर डिलीवरी जो वैन होती है ये लेकर जाती है. ठीक है, नेक्स्ट आती है देखिए रिक्शा, इसको बोलते हैं रिक्शा विद हैंड ऑपरेटेड पैडल्स, जिसको हैंड से ऑपरेट किया जाता है, पैरों से नहीं चलाई जाती है, हैंड से का यूज़ होता है इसको ऑपरेट करने के लिए. तो देखिए यूज्ड बाय डिसेबल पीपल, इनको जो डिसेबल पीपल होते हैं जो पैरों से नहीं चल सकते, जिनके पैर ख़राब होते हैं, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर मूविंग अराउंड, मतलब कहीं भी आसपास जाने के लिए वो इसका यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पिक्चर है देखिए हमारी ट्रैक्टर, ये किसकी आप देखकर पहचान लिया होगा एकदम, इसको कहते हैं ट्रैक्टर. प्लगिंग एंड अदर फार्मिंग टेक्स केयरिंग गुड्स, इसका इसमें क्या है, ये फार्मिंग में यूज़ होता है, प्लगिंग में यूज़ होता है, जब हम अपने फील्ड में जो अनाज वो करते हैं उसको लगाने में हमारी हेल्प करता है खेत को, इससे हमारे जो हमारी फील्ड्स होते हैं उसको हम इससे वो करते हैं, कहते हैं ना कि खेत जोतना है, इस टाइप से कुछ होता है तो वो करते हैं. फिर और भी फार्मिंग के कामों में यूज़ होता है टेक्स कैरिंग गुड्स, और इसमें हम सामान भी लेकर जाते हैं, इसके पीछे वो लग जाती है ट्रॉली बोलते हैं उसको लगाकर उसमें हम गन्ने को, जैसे हमारे फील्ड में गन्ना होता है ना, शुगर केन होता है, तो उसको लेकर हम मील्स में जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और भी सामान जो है उसमें हम कैरी कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, पेज नंबर 74. ये देखिए ये बस है, डबल डेकर बोलते हैं इसको, ये बड़े बड़े शहरों में आपको देखने के लिए मिलेगी, डबल डेकर बोलते हैं इसको, है ना, डबल डेकर. केयरिंग पैसेंजर्स, ये क्या है, ये पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, ये हमारे ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होता है. ठीक है, हम लोग इसमें बैठ कर एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं. नेक्स्ट पिक्चर है ये एम्बुलेंस, इसको क्या कहते हैं, एम्बुलेंस कहते हैं. केयरिंग पेशेंट्स, ये पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह कि जैसे किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो एम्बुलेंस को बुलाकर उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है ना. अब देखिए नीचे स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है स्पेस में. ठीक है, और यहाँ पे उसके बारे में लिखना है, उसका नेम लिखना है, उसका क्या वर्क है वो लिखना है. तो आप यहाँ पर स्कूटर व बाइसिकल मोटरसाइकिल ट्रक कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बारे में लिखना है. ये आपका क्या है, होमवर्क. दिस होमवर्क यू ऑल डू योर सेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज नंबर 75. नेम ऑफ सम व्हीकल्स, कुछ व्हीकल्स के नेम दिए हैं, आर गिवन इन द सेंटर ऑफ अ व्हील, एक व्हील दिया हुआ है उसके सेंटर में कुछ आपको क्या दिए हुए हैं, व्हीकल्स के नेम दिए हुए हैं. जॉइन दीज ऑन वन साइड द नंबर ऑफ व्हील्स, एक साइड तो उनके नंबर ऑफ व्हील्स दिया, उनसे मैच करना है ईच व्हीकल को, हैज एंड ऑन इट द अदर. जॉइन देम टू व्हाट इज यूज्ड
टू रन दैम, और वो किस तरह यूज होते हैं और कैसे वो चलते हैं उसके, वो उसको भी मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर ये व्हीकल हमें दिया हुआ है, इसमें मैंने आपको कुछ तो करके बताया है, कुछ आपको खुद से करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले देख लेते हैं, बस, बुलक कार्ट, कार्ट, स्कूटर, रिक्शा, कार, मेट्रो, ट्रेन, ट्रेन, मेट्रो रेल, ट्रेन, बोट, ट्रक, बाइसिकल, मोटरसाइकिल। तो देखिए बस में कितने व्हीकल्स, सॉरी बस में कितने वो व्हील्स होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं, है ना। बस में तो मोस्टली 4 ही होते हैं, ठीक है। और इसको ये चलती कैसे है, ये पेट्रोल से या डीजल से चलती है, ठीक है। बुलक कार्ट, बुलक कार्ट में कितने होते हैं, 2, बुलक कार्ट में 2 व्हील्स होते हैं, यहाँ से मैच करेंगे। और ये किससे चलते हैं, इसको ड्राइव बाय एनिमल्स, जानवरों के थ्रू चलाया जाता है। नेक्स्ट आता है कार्ट, कार्ट धक्का गाड़ी जिसको हमने अभी पढ़ा था ना, उसको पुश कार्ट, उसको ही कार्ट कहते हैं। इसमें देखिए इसमें भी 4 व्हील्स होते हैं और इसको किसके द्वारा चलाया जाता है, कौन चलाता है इसको, इसको ड्राइव बाय ह्यूमन, ये यहाँ पर है ड्राइव बाय ह्यूमन। ओके स्टूडेंट्स, स्कूटर, स्कूटर में भी 2 व्हील्स होते हैं, यहाँ से हम मैच करेंगे और ये भी पेट्रोल के थ्रू चलता है। रिक्शा, रिक्शा में कितने व्हील्स होते हैं, रिक्शा में भी 2 व्हील्स होते हैं, है ना। तो रिक्शा में भी यहाँ पर हम 2 व्हील से हम इसको मैच करेंगे और ये ह्यूमन, इसको भी ह्यूमन, ड्राइव बाय ह्यूमन के चलाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए कार, कार में 4 व्हील्स होते हैं और ये किससे चलती है, पेट्रोल, डीजल या गैस से चलती है। मेट्रो रेल, मेट्रो रेल में कितने व्हीकल्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, मोर देन 4 व्हील्स से ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे व्हील्स होते हैं उसमें, तो हम इसको इससे मैच कर सकते हैं। और ये ट्रैक पर चलती है ना, इसको इसको कौन ड्राइव करता है, ड्राइव बाय ह्यूमन। ट्रेन, ट्रेन में भी बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं और इसको भी ड्राइव करता है। बोट, बोट में तो होते ही नहीं है और उसको वो तो उसकी, और सॉरी मेट्रो ट्रेन, रेल तो, और मेट्रो रेल चलती किससे है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। कुछ ट्रेन से हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी है अब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो बोट है, बोट किससे चलती है, बोट में तो व्हील्स होते नहीं है और इसको कौन करता है, ड्राइव बाय ह्यूमन, ह्यूमन ड्राइव करता है चप्पू से, पानी से उसको करता है। ट्रक, ट्रक में कितने, मोर देन 4 व्हील्स से ज़्यादा होते हैं और इसको कौन चलाता है, ह्यूमन बींग चलाते हैं या फिर इसको ड्राइव करते हैं, ये डीजल इससे सबसे मैच की डीजल वगैरह से मैच होता है। बाइसिकल, बाइसिकल भी ह्यूमन बींग द्वारा चलाया जाता है, उसमें 2 व्हील्स होते हैं, इसको मैच करना, सॉरी ये 2 व्हील्स वाला नहीं है, 2 व्हील्स वाला यहाँ पर इससे मैच करना है। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में भी आपको इसको बिल्कुल क्लियर करना है, ठीक है, एकदम साफ साफ, या फिर इसका आप एक चार्ट बना सकते हैं, आपको इसमें मैचिंग करनी है बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल गंदा नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, आप 2 चीज़ों से मैच कर लेना है, एक ज़्यादा से नहीं, मतलब एक तो उसके व्हील्स को, जैसे ट्रेन और मेट्रो ले लें, इसके व्हील्स को नहीं मैच करना है ना। ये चलती किससे है, ये रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, हम ये इलेक्ट्रिसिटी से मोस्टली चलती है, मोस्टली ट्रेन जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी, बाइसिकल ह्यूमन बींग की तरह चलने लगी है, थ्रू चलती हैं, और 2 व्हील्स होते हैं, मोटरसाइकिल में भी 2 व्हील्स होते हैं और इसको ह्यूमन बींग चलाते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज पर हमारा पेज नंबर 76, हम ये इसको नहीं करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ अच्छा वो नहीं है। उसमें पूछा है कि फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स, बड़ों से पूछो कि वो 50 साल पहले किस तरह के ट्रैवल, वो ट्रैवल के लिए क्या क्या यूज़ होते थे, है ना, वो उसके बारे में तो आप पूछ ही सकते हो। उसके बाद है कैन यू इमेजिन कि आज से अब व्हीकल्स पीपल विल यूज़ फॉर ट्रैवल 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 20 ईयर्स बाद जो है पीपल कौन कौन से जो व्हीकल्स है उसको यूज़ करेंगे, आस्क योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड, इसके बारे में आप अपनी फैमिली मेम्बर से पूछो और फ्रेंड से पूछो, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यू कैन ऐड मोर। तो देखिए होम यू आस्क, जिससे तुम पूछ रहे हो तो अपने आंसर देने, तो ये कोई खास नहीं है, इसको रहने दीजिए, इसको हमने कट कर दिया है। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 77, योर ऑन ट्रेन विद योर विद द हेल्प ऑफ पिक्चर ऑफ द पिक्चर मेक अ टॉय ट्रेन, एक आप टॉय ट्रेन बना सकते हैं यूजिंग एम्प्टी मैच बॉक्स, जो आपके मैच बॉक्स हैं वो खाली हो जाते हैं, उससे आप इस तरह से एक ट्रेन बना सकते हैं। वैसे भी आई होप आप बना के खेलते भी होंगे। अब देखिए इफ एनीबडी मेक्स अ छुक छुक साउंड यू नो एट वंस दैट इट इज बींग मेड फॉर और ट्रेन, मतलब कोई किस तरह की चुक चुक की आवाज़ निकालता है तो उससे आपको एकदम से पता चल जाता है कि ये मेड फॉर अ ट्रेन, ये ट्रेन की जो है
क्या है, साउंड है। फ्रॉम द साउंड गिवन बिलो, नीचे कुछ दिए हुए हैं, कैन यू टेल, बता सकते हो उनके बारे में, विच व्हीकल इज इट, वो कौन कौन से व्हीकल है। वन एग्जाम्पल इज गिवन, एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, देखिए छुक छुक मतलब ट्रेन होती है, पौन पौन कौन करता है, ट्रक, घर घर की आवाज़ किससे आती है, मोटरसाइकिल घर घर करके आती है, पिन पिन की आवाज़ आती है स्कूटर की, टप टप हॉर्स कार जलता है ना टप टप करके, ट्रिंग ट्रिंग बाइसिकल की आवाज़ होती है, ओके साउंड होती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये कुछ नीचे क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चंस तो हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये नोटबुक में करेंगे, इसमें स्पेस नहीं आंसर करने के लिए। दीज आर द साउंड ऑफ सिंगल व्हीकल्स, ये साउंड जो है सिंगल व्हीकल्स की है। हाउ डज इट साउंड व्हेन मैनी व्हीकल्स रन टुगेदर, कैसी होगी मतलब साउंड जब बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ रन करेंगे ऑन द रोड, सड़क पर बहुत सारे होंगे, मेकिंग डिफरेंट नॉइस, नॉइसिस मतलब किस तरह की अलग तरह की नॉइसिस आएंगी, आवाज़ आएंगी, इज नॉट दियर अ लॉट ऑफ नॉइस, ये कैसी होगी, बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ नॉइस होंगी, बहुत ज़्यादा है ना। तो देखिए वेयर हैव यू हियर्ड द मैक्सिमम नॉइस, कहाँ पर सुनते हो हम, और एक जर्नली सी बात है कि रोड पर ही हम इस तरह की नॉइस सुनते हैं। डू यू लाइक सो मच नॉइस, इस तरह की नो, हम इस तरह की जो नॉइस होती है उसको हम नहीं लाइक करते हैं, बिकॉज इट डिस्टर्ब अस, ये हमें क्या करते हैं, डिस्टर्ब करती हैं। और हाँ ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 78। तो देखिए यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है, इसमें आग लगी हुई है, ये फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी वैन है ये आई है, ये पानी डल रहा है, ये पुलिस की वैन खड़ी हुई है, एम्बुलेंस खड़ी हुई है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पुट किए गए हैं, व्हाट ऑल द ऑल कैन यू सी द पिक्चर, में तुम क्या देख सकते हो। अ बिल्डिंग हैज़ कॉट फायर, एक बिल्डिंग में आग लगी है, फायर ट्रक इज सीन इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, हमें एक मतलब फायर ट्रक एक देख रहे हैं इस बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है, फायरमैन आर ट्राइंग टू पुट ऑफ फायर, और जो फायरमैन है वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आग को बुझाने की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, विच व्हीकल्स कैन यू सी इन द पिक्चर, में कौन कौन से व्हीकल्स देख सकते हो। अभी मैंने बताया था पुलिस वैन थी वहाँ पर, एम्बुलेंस थी, फायर ब्रिगेड वैन थी, फायर ब्रिगेड की वैन थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What are these vehicles usually used for? जो ये vehicles हैं ये usually use होते हैं किसके लिए होते हैं। तो देखिए जो police is there for security, police जो है यहाँ पर किस लिए, police van जो है वो किस लिए है, security के लिए। Ambulance will take the injured people to the hospital, जो ambulance है वो injured जो जो घायल हो चुके हैं लोग उनको hospital ले जाने के लिए। Fire brigade man will control the fire, और जो fire brigade man है वो fire brigade van से control करने की कोशिश कर रहे हैं fire को, क्योंकि उस van में बहुत सारा water होता है, उसके through आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर देखिए, लुक एट द बॉक्सेस इन द पिक्चर ऑन द टॉप, टॉप के बॉक्सेस में आपको ये पिक्चर देख रही है, ड्रा देम इन द करेक्ट सिक्वेंस इन द बॉटम बॉक्सेस एंड कलर्ड, आपको नीचे के नीचे भी बॉक्स दिया है उसमें आपको इनको सिक्वेंस से पिक्चर बनानी है जैसे जैसे बनी हुई है। व्हाट डिड यू गेट, आप क्या देखते हो, राइट इट्स नेम, इसका नाम, यहाँ पर एक ब्यूटीफुल से एलिफेंट की पिक्चर बन जाएगी, ये देखिए बन रहा है ना। तो देखिए नंबर वन बॉक्स में आपको ये इस तरह की ये वाली पिक्चर बनानी है इतनी सी यहाँ पर नंबर वन में। फिर नेक्स्ट नंबर टू कहाँ है, नंबर टू बॉक्स में ये वाली बनानी है। नंबर थ्री बॉक्स में आपको फिर कौन सी बनानी है, देखिए यहाँ पर नीचे होगा नंबर थ्री का, ये ना नंबर थ्री में ये बनानी है, नंबर फोर में ये बनानी है, नंबर फाइव में ये बनानी है, नंबर सिक्स बॉक्स में ये बनानी है, नंबर सेवन में ये बनानी है, और नंबर एट में ये बनानी है, नंबर नाइन नहीं है, 10, 11 and 12, ये पूरी कंप्लीट एक एलिफेंट की पिक्चर यहाँ पर बन जाएगी और आप उसमें कलर करोगे। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस वर्क, नाउ यू विल डू दिस वर्क इन योर ईवीएस बुक। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।